गई है कयामत की रात। मैं हूं नागिन। आप मेरे पास मत आइए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये शादी मैंने सिर्फ आपकी जिंदगी बचाने के लिए की थी, इसका कोई और मतलब मत निकालिए। देखो मुझे पता है मेरी शादी भी किसी और से होने जा रही थी, पर सच तो ये है कि तुम और मैं एक साथ, तुम्हारा साथ ही तो चाहिए था मुझे। तुमने मैंने कब सोचा था उसने करवाई है ये शादी। आओ आओ मेरे साथ आओ, आ जाओ, अरे आ जाओ। ये क्या? मैं वहां जाके सुनूंगा, टेंशन मत लेना। मैं जानता हूं ये शादी तुम्हारे दिल की मर्जी से नहीं हुई है। सुनिए मैं आपसे, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा वो बॉडी बिल्डर मंगेतर बिल्कुल नकली निकला, इतना डरावना था, हॉरिबल। मैंने बचाया तुम्हें। माँ कहती है कि तुम्हारी कुंडली में वो नक्षत्र है जो मेरी जान बचा सकते हैं, तो हिसाब बराबर है। तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुम्हारी जान बचाई। अब अगर इस शादी से बचना चाहती हो ना, तो चार रास्ते हैं। पहला, शादी हो गई, मेरी जान बच गई, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो जा सकती हो, इस शादी को निभाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा, यही रह सकती हो इसी कमरे में जैसे मैं रहता हूँ, अकेले में दोस्त, सबके सामने पति पत्नी, तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व, घर वाले भी खुश। और तीसरा, वो तो हो नहीं सकता, चौथा ऑप्शन भी सुन लो, और वो ये है कि आओ छतरी ना के छतरी मार्डर, यही खत्म कर। इच्छाधारी जैसे बनके, वेट, यहां थोड़ा डेंजर है। अगर तुम चौथे ऑप्शन के बारे में सोच रही हो तो पहले दो पे ही रुक जाओ, या तो दोस्त बन के रह लो या तो मत रहो। उसके बारे में भी हम दूसरे ऑप्शन सोच सकते हैं। सीरियसली, बहुत कुछ किया तुमने मेरे लिए, मेरी जान बचाई। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी के साथ क्या गलत होता, क्या होता, पर तुमने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया। उसके बदले में तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हूं तुम्हारा। ये बिस्तर तुम्हारा, जैसे रहना चाहती हो रह सकती हो। ओके?
वैसे मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब मेरी जान बचाने के लिए किया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये शादी नहीं, एक समझौता है, इसलिए तुम्हें छूंगा नहीं, गलत होगा। ये शादी करके तुमने सबकी मदद की, सब एहसानमंद है तुम्हारे। तुमने सबके बारे में सोचा, पर तुम्हारे बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। तुम्हारा भी तो कोई सपना होगा, कोई अरमान होगा। तुम मुझसे शादी करना भी चाहती थी या नहीं, या ऐसे ही कर ली, जो भी हो, पर तुम आजाद हो। अगर कल सुबह तुम मुझे छोड़ के चली जाना चाहती तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मतलब माँ जैसा चाहती थी वैसा तो हो गया, 12 बजे के पहले शादी हो गई और मेरी जान भी बच गई। अब कोई वजह नहीं है कि कोई तुम्हारा रास्ता रोके या तुम्हें रोके। ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। चाहो तो यहाँ रह सकती हो और चाहो तो चली जाओगी तो थोड़ी तकलीफ तो होगी। फिर भी अगर जाना चाहती हो तो मैं माँ को संभाल लूंगा। देखो पूरा चांद, पूनम की रात, आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने कभी पूर्णमासी की रात ठीक से देखी नहीं। कभी नहीं? नहीं। तो आज देख लो। कहते हैं पूरे चांद की चांदनी में चेहरा कुछ और ही दिखता है। आओ देखो ना। नहीं रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे रहने दो, आओ चलो आओ। नहीं मैं नहीं, मैं ये ठीक हूँ। अरे चांद है, इतना क्या डर रही हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अकेला आदमी नींद में मिला तो उसकी इज्जत लूटने लग गई तुम। वो नींद में क्या क्या किया मेरे साथ, सच सच बताओ। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वो आप सो रहे थे और मैं आपको देख रही थी, फिर पता नहीं मेरी आंख कैसे लग गई और मैं कब आपसे मुझे ऐसे क्यों लग रहा कि तुमने मेरा नाजायज फायदा उठाया। नहीं नहीं कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। थैंक गॉड, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता।
देखो कितना लाल हो गया है। मुझे लगता है तुम सोते सोते है ना मुझ पे सो गई पिलो समझ के। नहीं? अरे मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं करता क्या? लगता है रात की ना उतरी नहीं होगी इसलिए खोल नहीं रहा। दरवाजा खोल। हाय। अरे भैया अगर दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं अंगद को बोल दूं कि दरवाजा तोड़ के हम अंदर आएंगे। यस। ये क्या कर रहा अंदर इतनी देर से? अरे शादी हुई ना इनकी। शोले तो दरवाजा नहीं खोलेगा क्या? तो नींद ज्यादा आ रही होगी। ओ मैं तो उठा रही हूँ भाई। ये ऋतिक दरवाजा खोल। ऋतिक भैया। ऋतिक देख अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं अंगद को बोलूंगी दरवाजा तोड़ने के लिए। हाँ है ना। काउंट शुरू करें। हाँ ओके। ऋतिक भैया मैं काउंट कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1 1/2। अभी तो तोड़ ही दे। इस रूप में नहीं मैं यहाँ किसी से रिश्ता जोड़ने नहीं अपना इंतकाम लेने आई हूँ। मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपना बदला किसी भी कीमत पर पूरा करूँगी। क्या पूरा करके रहोगी? आप कुछ नहीं वो बॉलीवुड थीम पार्टी की कुछ तैयारियां बाकी है ना बस वही। ओ हो अब तो काम की टेंशन लेना छोड़ दो। अब तो तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हें बुरा लगा ना जिस तरह तन्वी ने तुमसे बात की? भला बुरा कहा तुम्हें? तुम्हें भले ही बुरा ना लगा हो लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं जानता हूं अभी अभी हमारी शादी हुई है लेकिन अगर कोई भी तुम पर उंगली उठाए तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बुरा लगता है अगर तुम्हारे साथ कोई भी कुछ गलत करता है तो। और यही तो होता है ना शादी का एहसास। दोनों में से किसी एक को कोई कुछ भी कहे तो बुरा लगता है। दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं और उन्हें एक करता है उनका भरोसा। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और फिर हम तो अब भी अजनबी हैं एक दूसरे के लिए। बिल्कुल गलत सीखा है। अगर इंसान एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेगा तो कौन करेगा? भरोसे के बिना कोई रिश्ता नहीं बन पाता। हाँ भरोसे में ठेस लगने का डर लगता है पर अगर कोई समान है तो उससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं होती। तुम भले ही करो ना करो मैं करता हूं तुम पे भरोसा। मुझे डांस करना नहीं आता। तो कोई बात नहीं हम सब मिलके डांस करेंगे। ये हुई ना बात और भी मजा आएगा। ये मैं
मुझे फॉलो करती रहो। कान में झुमका पहनने का फैशन है क्या? लगता है भूल गई, मैं अभी आई। गजब हो गया। अगर माँ की कही बात सच निकली तो समझो तुम तो फंस गई आज। मतलब कौन सी बात? रास की बात, जो तुम्हारे दिल में है और तुम बताना नहीं चाहती। जब किसी का सर किसी के सर से टकराता है तो समझो उसे प्यार हो गया। उसे प्यार हो गया। सच बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? मैं भी ऐसे ही चौंका था और हंसा था जब माँ ने मुझे ये बात बताई। ऐसे कभी होता है क्या? होता है क्या? आओ। सॉरी 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 सॉरी, वो गलती से मेरा पैर तुम्हारे पैर पे जोर से लगी क्या? नहीं नहीं, मुझे पहले से ही लगी हुई थी। पहले से लगी हुई? शिवन्या तुम भी ना, कभी हाथ में चोट लगती है, कभी पैर में चोट लगती है। कहाँ लगी ये चोट? वो जंगल में एक छोटा सा कांटा चुभ गया था, शायद अब तक नहीं निकला। अब तक नहीं निकला? तुमने कांटा अंदर ही छोड़ दिया। कुछ हो गया तो ला इधर बैठो, ला दिखाओ मुझे। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मेरे पांव मत छोड़ो, मैं खुद कर लूंगा। मैं ये कांटा निकाल के रखूंगा। रहने दीजिए, छोड़ो। आ दुखा? नहीं। तो फिर चिल्लाई क्यों? कोई भी मेरे पांव छूता तो मुझे गुदगुदी होती है। तुम्हें गुदगुदी भी होती है? छोटा दिखता है ना, उतना है नहीं। अगर अंदर रह जाए तो बहुत खतरा पैदा कर सकता है। तुम्हारा पैर भी काटना पड़ सकता था। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। एक काटा बहुत कुछ कर सकता है। वैसे तुम कहीं जा रही थी क्या? नहीं तो। गुड, तो आज शाम को बाहर चलते हैं। जब से मुंबई आई हो तुम कहीं गई नहीं हो, इसी बहाने तुम्हें जान लूंगा और तुम मुझे। आप पति पत्नी बनकर नहीं पर दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं, क्या ख्याल है? तो शाम को तैयार रहना। क्या बात है, आज सब किचन में क्यों? दिव्या, आज ये डिनर पार्टी तुम्हारे चाचा के दोस्तों के लिए। ओ रियली, एक और डिनर पार्टी? वहाँ कितनी डिनर पार्टीज होती है इस घर में? पीटर, तुम्हारे पापा के दोस्त बरसों बाद यहाँ आए, इसलिए। याद है ना, शाम को तैयार हो जाना।
डिनर तक वापस आ जाएं। शिवले, याद है ना, 5 तरह की पूरियां तलनी है। तुम शुरू करो, मैं आती हूँ। अरे यार, बोलती थी माँ मेरे साथ जाने के लिए मना थोड़ी ना करती। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं कहा? कमाल कर रही है, मैं माँ को कैसे बोलता? और मैं बोल देती। ओके ओके, इंतजार करूंगा। फ्री हो जाओगी तब तो चलोगी ना? फ्री होंगी तब ना। शिवन्या, ये मैंने सब्जियां काटी हैं, राइस लगा दो। जी। ये घर में कभी एक दिन ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये कभी वो। अगर हमें साथ में जिंदगी बितानी है तो एक दूसरे से बात तो करेंगे ना, थोड़ा वक्त तो चाहिए ना एक दूसरे के साथ। एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। पर ये घर वाले, ओह नो, पार्टी के कपड़े तो निकाले नहीं, लेट हो जाऊंगा। फ्रेश हो जाता हूं। लगता है ऋतिक कहीं बाहर गए, जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। आप करना बंद करो, मैं डेढ़ हड्डी ही ठीक था। पर वो तो शादी के पहले ना, पर अब आपके घर वाले क्या? क्या कहा तुमने, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपके घर वाले क्या? वो आप क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर वाले तुम। हे शिव जी, देख लिया उन्होंने। उन्होंने देख लिया, मुझे देखना चाहिए था ना। अब मैं आपकी तुम्हारी हाँ हाँ भाई तुम्हारी माँ के सामने कैसे जाऊंगी? मुझसे क्या पूछ रही हो, चीखी तुम थी इसलिए तो वो आई है। मैं नहीं, तुम चीखे थे। तुम पहले, तुम चीखी थी उसके बाद मैं चीखा था। पता नहीं अब वो क्या सोच रही होंगी। इसमें सोचने वाली क्या बात है, हम तो शादीशुदा हैं। हाँ है, पर तुम बताओ कि पहले तुमने डोर लॉक क्यों नहीं किया? जल्दी जल्दी मैं भूल गई, और मुझे लगा आप यहाँ नहीं हैं। भूल गई, माँ की शर्म तो छोड़ो, हम दोनों एक दूसरे की शर्म भी भूल गए। अब मैं कपड़े लेके जाऊं अंदर।